महिला वार्ड में फीमेल वार्ड, मतलब आज हम लोग को एक नया केस दिया जाएगा, देखते हैं आज क्या केस मिलेगा, आज देखते हैं। सोलंकी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सोलंकी जी का पहला दिन है, कुछ तो जरूर बोलेंगे। सोलंकी जी बोलिए कुछ। सोलंकी जी तभी तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ बोलिए। हम लोग गलत आ गए थे, अब फिर से राइट जगह जा रहे हैं। सोलंकी जी कुछ बताइए किधर से। चलिए अब हम लोग राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अभी जी आगे हैं उधर। चलो आगे पीछे अनुज जी हैं, ये सोलंकी जी हैं। गोयल जी आखिरी तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला वार्ड के देखो। सोलंकी जी आपको आज वार्ड मिल पाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। चलो आगे देख के आते हैं क्या है। बेड नंबर इधर पेशेंट पड़े हुए हैं। केस मिला है तो एक लेडी है, उनका नाम है सुनीता देवी, एज है 28 ईयर्स, एड्रेस है ककरावती विलेज की है, ऑक्यूपेशन की हाउस वाइफ है और चीफ मतलब प्रेगनेंसी जो हुई है 10 मंथ की हो चुकी है, मतलब इससे पता ये चलता है कि इनकी एक्स्ट्रा हो रही है, डिले हो रहा है। हस्बैंड में अमर जी जो कि लेबर वर्क काम करते हैं, चीफ प्रॉब्लम उनको कोई नहीं है। मैम ने उन्हें बोला है कि या कल या एक दो दिन में उनकी डिलीवरी हो जाएगी, प्रेगनेंट 6 मंथ है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इसको नहीं पता है और टू चाइल्ड है, एक 6 ईयर में है और एक 4 ईयर से, दोनों गर्ल्स हैं, दोनों हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू डिलीवरी हुई है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में उनको नहीं पता है, मैं नाचे नहीं है और ये 28 ईयर है, तो मेरे कोच की भी कोई नहीं है। पोस्ट मेडिकल सर्जरी पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री में इनको कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं, मतलब सर्जरी नहीं हुई है और इनके घर में ना किसी को डायबिटीज है ना तो हाइपरटेंशन है। ठीक है। हाय। हाँ हेलो भाई। आज किस डिपार्टमेंट में था तुम लोगों का? मेडिसिन डिपार्टमेंट। और कोई केस वोस मिला कि नहीं? भाई एक सीओपीडी का पेशेंट था। हाँ। फर्स्ट ईयर का। हाँ। और उसमें उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ब्रीदनेस में जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिससे एयरवे सही से फ्लो नहीं कर पाता है, इसी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, चेस्ट पेन था, इसका हम लोग मेडिसिन उसको दिए हैं, अच्छा फील करता है। और आपका बीच में हम लोगों ने उसको रोक दिया, उसके अटेंडेंस में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद में हम लोग
केस रोकना पड़ा, अब दूसरे केस के लिए जा रहे हैं। ठीक है यार, थैंक यू यार बताने के लिए। और ये बताइए, जैसे हम लोग का मेडिसिन में लगेगा नेक्स्ट टाइम, तो हम लोग को क्या मतलब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ऐसे कुछ? देखो प्रिकॉशन मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है यार। हाँ, मेडिसिन में बस एक बात याद रखना, जब भी यहाँ पे आना तुम्हें स्टेथोस्कोप हो गया, लाइट होगी तुम्हारी, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर हो गया, सबको लेके आना है। और मेडिसिन में अभी जनरली सेकेंड ईयर में तो बताते हैं जनरल एग्जामिनेशन होता है, बता दे रही है, और डायग्नोसिस कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे ये सब होता है। तो बस केस लेते रहिए, ठीक है, थैंक यू यार, करता रहेगा।